ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में निश्चित रूप से ज्योति मौर्य ने गलती की। निश्चित रूप से आलोक मौर्य को जब लगा कि मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो आलोक मौर्य ने अपने घर की इज्जत जो है वो सार्वजनिक कर दी। निश्चित रूप से जिस तरह से आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर मनीष दुबे के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाया और जिस तरह से ज्योति मौर्य को कटघरे में खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की गलती है। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफ़ी खबरें भी चली। लेकिन यदि आलोक मौर्य या ज्योति मौर्य ने गलती की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी चला देंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर फेक ऑडियो चल रही हैं, फेक वीडियो चल रही हैं, फेक खबरें चल रही हैं, और ऑडियो तो हैं उसमें काफ़ी अश्लीलता भी बढ़ती जा रही है कि साहब ज्योति मौर्य की कभी मनीष दुबे से बातचीत दिखा देंगे, कभी ज्योति मौर्य की किसी और कोई दूसरा प्रेमी दिखा देंगे, कभी पवन सिंह से शादी दिखा देंगे, कभी ज्योति मौर्य का निधन दिखा देंगे, कभी मनीष दुबे का निधन दिखा देंगे, कभी आलोक मौर्य का निधन दिखा देंगे, कभी आलोक मौर्य के पिताजी का निधन दिखा देंगे। आखिर ये है क्या? आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में तो आप गलती कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपके दर्शक हैं उन्हें भी आप भ्रमित कर रहे हैं। यदि कोई दर्शक जो है सीधा साधा दर्शक सुनेगा, देखेगा कि साहब मनीष दुबे का निधन हो गया है, साहब आलोक मौर्य का निधन हो गया है, ज्योति मौर्य का निधन हो गया है, कि ये हम लोग जो है चैनल वाले समझ रहे हैं कि व्यू की भूख जो है इस हद तक ले जा रही है। लेकिन जो सीधे साधे दर्शक हैं, जो सीधे साधे यूजर हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, तो क्या वो आप उन्हें भ्रमित नहीं कर रहे हैं? क्या लोग इन मामलों को लेकर जो है भ्रमित नहीं हो रहे हैं? कितनी भी जो मैं देख रहा हूँ लगातार जो है कुछ भी चला दे रहे हैं। इसका मतलब सोशल मीडिया पे छूट का मतलब कुछ भी चला देना नहीं है। जैसे प्रिंट मीडिया में गाइडलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गाइडलाइन है, सोशल मीडिया पे ठीक है गाइडलाइन नहीं है, तो जितने लोग भी चैनल चला रहे हैं वो जागरूक लोग माने जाते हैं, वो समझदार लोग माने जाते हैं, वो जिम्मेदार लोग माने जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं तो क्या आप व्यू की भूख के लिए कुछ भी चला देंगे? और यही वजह रही है कि ज्योति मौर्य को दिल्ली हाई कोर्ट में जाना पड़ा है कि मुझसे संबंधित सामग्री जो है वह सारी हटाई जाए और मेरी बिना अनुमति के कोई मुझसे संबंधित सामग्री जो है वो सोशल मीडिया पर लोड न की जाए। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि सारी वीडियो या ऑडियो या सारी सामग्री जो है वह फेक नहीं है। काफ़ी जो है ऑडियो वीडियो जो हैं वो सत्य पर आधारित हैं और काफ़ी खबरें ऐसी हैं जो आलोक मौर्य के बताए अनुसार ही जो है चलाई गई हैं। और निश्चित रूप से यदि कोई समाज में जिम्मेदार महिला, एसडीएम का पद जिम्मेदार होता है, एक न्यायाधीश का पद माना जाता है, और ये माना जाता है कि समाज में दूसरे लोगों के साथ न्याय करेंगी और उनके साथ यदि अन्याय हो रहा है तो एसडीएम जो उनके साथ न्याय करेंगी, तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी का पद है। यदि कहीं गलती की है तो खबरें बनती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चला दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया पे जो आज की तारीख में चल रहा है, और यही वजह रही जो महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष हैं जो बिहार से आई और जिन्होंने दावा किया कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को मिलाने का, वह भी ये बोल रही कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जो है जो फेक न्यूज चल रही हैं उनको लेकर बहुत नाराज़ हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि वो लोग कह रहे हैं कि सारी फेक न्यूज हैं, सारी फेक न्यूज नहीं है। मैं भी जो है इस बात को कहूँगा कि सारी फेक न्यूज नहीं है, सारी खबरों को, सारी ऑडियो वीडियो को आप फेक नहीं करार दे सकते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के मामले में यदि चैनलों को अच्छे व्यूज मिल रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं चला सकते हैं। और यदि आप ज्योति मौर्य की आप बात करेंगे और जिस तरह से महिला विकास मंच ने दावा किया है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य मिलने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज के लोग भी यही चाहते हैं और चैनल के लोग भी यही चाहते हैं। और यही वजह है कि ज्योति मौर्य पर जो है मीम्स बनाए जा रहे हैं, यही वजह है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ खबरें छपा जो है चलाई जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के जिम्मेदार लोग जो हैं ज्योति मौर्य की इस हरकत से, जिस तरह से तथाकथित प्रेमी है मनीष दुबे अवैध संबंधों का आरोप लगाया गया है, तो नाराज़ हैं। और नाराज़गी यही है कि ये नाराज़गी की वजह भी यही है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य मिले
और यदि आलोक मौर्या ज्योति मौर्या के मिलाने का प्रयास हो रहा है और वो फेक न्यूज को लेकर गलत मीम्स को लेकर यदि नाराज़ हैं तो किन चीज़ों से बचना चाहिए जिम्मेदारी। देखिए यदि आप मीडिया का जो इस समय जिम्मेदारी होती है वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक जिम्मेदार की जो है एक नागरिक माना जाता है और ये माना जाता है कि हम समाज की भलाई करने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं। हमारे जो है किसी भी कार्यक्रम से, किसी भी ऑडियो से, किसी भी वीडियो से समाज का अनित ना हो, किसी का नुकसान ना हो, किसकी भावनाएं आहत ना हो, तो इन मामलों को लेकर जो है निश्चित रूप से सारे लोगों को जागरूक होना चाहिए, एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए समाज के प्रति। इसमें कहीं से दोहराए नहीं है कि मनीष दुबे ने जिस तरह का खलनायक की भूमिका निभाई है मनीष दुबे को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से ज्योति मौर्या पर भ्रष्टाचार का आरोप उसके ही पति ने लगाया है, भले केस वापस ले लिया गया, वह दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए क्योंकि एसडीएम पर जिम्मेदार होता है, पीसीएस हैं ज्योति मौर्या, वो जो है भले ही आलोक मौर्या ने केस वापस ले लिया हो जाँच आगे बढ़नी चाहिए। और आलोक मौर्या यदि पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाए हैं तो आलोक मौर्या के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि पूरे देश में चर्चित रहा है मामला और लोग जो है ये उम्मीद करते हैं यदि ब्यूरोक्रेट का मामला है, कोई नेता का मामला है, करप्शन का मामला है कि वो जो है उसका पर्दाफाश होना चाहिए क्योंकि और जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं वो उससे सीख लेंगे। यदि इसी तरह से मामले को दबा दिया जाएगा तो इस भ्रष्टाचार के मामले और बढ़ेंगे और वो लगातार बढ़ते हैं। तो इस मामले में जो है मैं यही कहूँगा कि जो हमारे साथी हैं सोशल मीडिया के उन्हें कम से कम जो हैं इस तरह के मीम्स से या इस तरह की खबरों से बचना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी चला देंगे, और मनीष दुबे और आलोक मौर्या ज्योति मौर्या का ही मामला नहीं है, और भी बहुत मामले हैं। आप इसमें लेकर जो है सत्य पर आधारित यदि कोई खबर मिलती है, फीडबैक मिलता है, खबर चला सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप किसी का भी निधन दिखा देंगे। जिन चैनलों ने यदि मनीष दुबे का निधन दिखाया है, ज्योति मौर्या का निधन दिखाया है या आलोक मौर्या का निधन दिखाया है, यदि उन पर लीगली कार्यवाही हो जाती है तो क्या जवाब देंगे आप? सूत्रों के आधार पर जो है बातचीत दिखा सकते हैं आप, सूत्रों के आधार पर किसी की आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सूत्रों के आधार पर आप किसी का निधन दिखा देंगे और वही जो मनीष दुबे या ज्योति मौर्या आलोक मौर्या आपके सामने आकर खड़े होकर बोल दें कि साहब मैं तो सामने खड़ा हूँ, आपने मेरा निधन दिखा दिया है, तो जिम्मेदार लोग जो हैं इन चीज़ों से बचना चाहिए। वो कभी भी यदि इस तरह की जो है खबरें चलाकर कभी भी संकट में फंस सकते हैं। और किसी का निधन दिखाना तो जो है वो उसके परिवार के लोगों को भी आहत करना है, उसको तो करना ही, उसके परिजन के लोग को भी आहत करना है, उनके रिश्तेदारों को भी आहत करना है। तो ये जो मामला है ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का, निश्चित रूप से जिस तरह से महिला विकास मंच ने दावा किया है कि ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या को मिलाने जा रहे हैं, और ये भी कहा कि साहब ज्योति मौर्या ने कुछ समय मांगा है कि ज्योति मौर्या जो है वो आलोक मौर्या से जो है मिलेगी, और आलोक मौर्या ने माफ़ी मांगी, माफ़ भी कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आलोक मौर्या लगातार माफ़ी क्यों मांग रहा है? इसमें माफ़ी तो ज्योति मौर्या को मांगनी चाहिए। हालांकि जो है जिस तरह से महिला विकास मंच ने दावा किया है, कोई फोटो कोई ऑडियो या कोई वीडियो अभी नहीं दिखाई है, लेकिन अभी दावा ही किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है इस मामले में मुझे कोई जान दिखाई नहीं देती है। अभी भी जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसको लेकर यही लग रहा है कि मनीष दुबे के साथ ही ज्योति मौर्या जा सकती हैं। और ये भी बात जो है महिला विकास मंच की जो है अध्यक्ष ने बोली है कि मनीष दुबे ने धमकी भी दी थी आलोक मौर्या को कि ज्योति मौर्या तो मेरे साथ ही रहेंगी, जो मर जाए, जो तुम्हारे उखाड़ना उखाड़ लें। तो ये जो सामने सारी चीज़ें आ रही हैं वह अपनी जगह हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ में जो हमारे साथी चैनल चला रहे हैं, कम से कम जो है गलत मीम्स, अश्लील मीम्स को लेकर, अश्लील ऑडियो को लेकर या जो किसी के निधन को लेकर, हमले को लेकर गलत खबर चलाने से बचना चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये जो मामला है 22 सितंबर को, आज 21 तारीख है, कल जो है इस तलाक के मामले में सुनवाई होनी है। ज्योति मौर्या आलोक मौर्या से तलाक लेती हैं या आलोक मौर्या के साथ मिलती हैं, कल जो है इस मामले का पूरी तरह से पटापेक्ष हो जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।